From Bihar, we have Sanjay Kumar. संजय कुमार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के विभिन्न प्रारंभिक विद्यालयों में एक शिक्षक के रूप में 5 वर्षों की सेवा दे चुके हैं। इस दौरान इन्होंने विद्यालयों की समस्याओं और शैक्षणिक व्यवस्था को करीब से देखा और यह समझा कि इन समस्याओं के निराकरण का कौन सा उपाय सही हो सकता है। पुनः बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2005 में बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी के रूप में चयनित होकर ये खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर एवं सुपौल जिलों के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण समृद्ध करने का प्रयास करते रहे हैं। लेखक संप्रति बिहार पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हैं। इनके प्रयासों से मिशन पॉसिबल स्वच्छ कार्यालय, स्वच्छ विद्यालय, आनंदशाला, चलो चले पाठशाला, पहल आदि अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम विभिन्न जिलों में संचालित हुए, जिनके सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हुए। ये भागलपुर जिले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहते हुए 24 मार्च 2017 से एक पृष्ठ अपील संदेश लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षकों को प्रेरित करते रहे हैं, जो अब भी जारी है। अपील संदेश का सैकड़ों विद्यालयों, शिक्षकों पर गुणात्मक असर हुआ है। इनका उद्देश्य है कि सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण समृद्ध हो, जिसका राज्य व देश के विकास पर सकारात्मक असर पड़े। ठीक उसी तरह से अभी हमारे साथ पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय सर है। आज सुबह जैसे मैंने शिक्षा विभाग की झांकी को देखा, मैंने कहा था सर कि आप टॉप पे आएंगे। बोले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा था। और हमारे जो जितने भी शिक्षक हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सारे लोगों ने पहले ही हमारे कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। कहा था कि मुझे लगता है कि उबराव करेंगे। पिछले साल भी मेरी झांकी यूनिक थी और प्रथम पुरस्कार पाया था। इस बार भी लगातार दूसरे बार झांकी प्रथम पुरस्कार। मंच पर जो लोग थे, माननीय मंत्री जी ने भी हाथ लगाया। कल शाम में ही नहीं, परसों शाम में इस ट्रेन का नाम सोचते शैक्षणिक क्रांति थी, क्योंकि मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ कि शैक्षणिक क्रांति का आगाज चंपारण की धरती से हो, और मुझे लगता है कि आगाज हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पदाधिकारी डीओ सर और डीपीओ सर आज की झांकी में नंबर वन, जो क्रिएटिविटी थी, जो रचनात्मक यहाँ पे झांकी थी, एक नंबर पे आया। और देखिए श्री संजय कुमार ने पूर्वी चंपारण में जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में लगभग 3 वर्ष यादगार सेवा प्रदान किए। इनके योगदान के समय से ही छात्रों और शिक्षकों में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हुआ। गांधी जी के कर्मभूमि, जहां गांधी जी ने बुनियादी विद्यालय की स्थापना कर विभिन्न रचनात्मक कार्य कर चंपारण के लोगों को पढ़ाने हेतु बीज बोए। गांधी जी के सत्याग्रह से आजादी की सफल बुनियाद बनी, जो 1947 में आजादी के रूप में सफलता हासिल हुई। आजादी के बाद शिक्षा को अंतिम जन तक पहुंचाना एक चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन आज वह सफल होता दिख रहा है। बुनियादी शिक्षा हेतु गांधी जी के लगाए बीज को पौधा के रूप में संवारने का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री संजय कुमार ने किया। कई जिला शिक्षा पदाधिकारी आए, लेकिन श्री कुमार ने अपने समर्पण और संकल्प बल से सरकारी शिक्षा के प्रति बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों की नजरिया ही बदल दिया।